आपके पैर में पीछे वेरिकोज वेन है और आपका री मेडिकल मिला है। हाँ किस चीज के लिए थे? एसएससी जीडी SSC GD और री मेडिकल मिला कितने दिनों पहले? 22 तारीख को मेरा मेडिकल हुआ है, 7 तारीख को सामने महीने का, सामने महीने के 7 तारीख को री मेडिकल है। अभी री मेडिकल अगले महीने 7 तारीख को है, हाँ तो मतलब अभी आपके पास लगभग 15 दिन टाइम है, या हाँ उससे भी 1-2 दिन कम ही होगा। हाँ तो इसमें हम लोग फोम स्क्लेरोथेरेपी कर रहे हैं। एक्चुअली ये इतना छोटा सा वेन कोई परेशानी नहीं देता है आपके डिजीज कंडीशन के हिसाब से बोले तो, लेकिन सिलेक्शन में कई बार ये पॉइंट बनता है, इतना बड़ा वेन भी। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इतना छोटा वेन में शायद री मेडिकल नहीं मिलेगा, लेकिन आप तो प्रूफ हैं कि बहुत छोटा वेन भी अगर दिख रहा है तो मिलता है। और कभी कभी कुछ लोग बच भी जाते हैं, है ना, कुछ छूट हाँ जाता है तो उसको नहीं मिला, निकल गया आगे। तो आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? हाँ मैंने एक दोस्त भी बताया था, फिर यूट्यूब में देखा, अच्छा, वो दोस्त का ट्रीटमेंट हो चुका है, ट्रीटमेंट हो चुका है, वो फिट भी हो चुका है, तो वो दोस्त कहाँ का था वो वेस्ट बंगाल का ही है। और आप भी वेस्ट बंगाल के हैं, हाँ तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ मेरे यहाँ हुआ था पहले हाँ और उनको पॉइंट नहीं मिला, नहीं वो उनको फिट है। फिट हो गए वो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 10 दिन में आपका भी बहुत कम हो जाए। तो इस छोटे वेन कंडीशन में पॉइंट मिलना और नहीं मिलना चांस की बात है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। कल ही एक हमारे पास पेशेंट भेजे थे कि देखिए मेरा इतना वेन था लेकिन सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन आगे फिर इसका क्या होगा। तो ऐसे एक बार जब अगर सिलेक्शन छोटे वेन रहते हुए हो गया तो फिर इतना जल्दी तो वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन बहुत सारे मामलों में इस तरह का छोटा वेन पॉइंट बन जाता है ना। और जबकि आप उसके एग्जाम्पल हैं, करते हैं फोम स्क्लेरोथेरेपी, काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, इससे ठीक होता है। ये फोम स्क्लेरोथेरेपी कर रहे हैं हम लोग, मतलब फोम डाल रहे हैं अंदर और सारे इस रेटिकुलर वेनस पैटर्न में फोम का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखता है। और ये फोम स्क्लेरोथेरेपी एक प्रूव्ड मॉडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर सच टाइप ऑफ सुपरफिशियल और जिसको भी रेटिकुलर वेनस डायलेटेशन कहते हैं, उसके लिए अगर फोम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फिर रिजल्ट भी प्रॉपर अच्छा मिलता है। जैसे कि दिख रहा है कि ये सारे ट्रिब्यूटरीज में जिसमें कि अभी ब्लड था, ये फोम एक बार गया, अब ये अपना काम करेगा। ये कंप्लीट हो गई है फोम स्क्लेरोथेरेपी। यूजुअली 2 to 3 वीक्स का टाइम लगता है, लेकिन 10 डेज में भी बहुत सारे केसेस में काफ़ी सारा रिग्रेशन हो जाता है वेन्स का। जैसे अभी बहुत सारा वेन था, ये सारा कुछ कम हो गया है। तो क्योंकि आपका 10 दिन 15 दिनों के बाद ही है, तो फिर बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करिए। और फिर जो भी रिपोर्ट होता है वहाँ आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट, सॉरी मेडिकल जो टेस्ट, वो हमको इन्फॉर्म करिएगा। बाद में फिर एक बार मिलिएगा भी, फ़ोन करके बताइएगा कि क्या हुआ, किस तरह से आपको इवेल्युएट किया गया वहाँ।